है बिहार बदलाव पत्र, बेरोजगारों और किसानों से उत्थान का वादा। कांग्रेस ने पटना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वायदों की बरसात कर दी है। किसानों के लिए बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। वहीं बेरोजगारों के लिए 1500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी और बिजली बिल भी माफ करेगी। इसके अलावा किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कानून को खारिज किया जाएगा। किसान अगर ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। राज बब्बर ने कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है और युवा उसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार रोजगार के लिए सर्वे करवाएगी और कैंप लगाकर रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विधवा महिलाओं को 1000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। राज्य सरकार लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त में शिक्षा देगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वालों को सीधे नौकरी दी जाएगी। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।